एक लड़की मेरे पास प्रार्थना करे, मेरे मेरे पेरेंट्स मेनु प्यार नहीं करते, मेरी वड्डी भैन प्यार करते, मेनू नहीं प्यार करते, मेनू झिड़का ही मार दे। हर बार यही बोलती थी, और यही चीज ने उसको इतना शैतानी प्रभावित किया, एक ऐसे लड़के के साथ वो भाग गई जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। इमोशनली डिस्टर्ब, मेरी फैमिली मेनू प्यार नहीं करती, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती। अरे अगर मेरी फैमिली मुझे प्यार करती ज्यादा, तो 2004 में जब दुख आए, सताव आए, जब यीशु मसीह के नाम के कारण मैंने घर तक छोड़ दिया था, तो उस टाइम मैं वापिस चला जाता यीशु मसीह को छोड़ के, अगर मैं ज्यादा लगाव में होता। आज मेरा लगाव मेरे भाई से भी ज्यादा होगा मेरी फैमिली का, पर उस टाइम खुदा ने शुरू से मुझे रिजेक्ट किया मेरी फैमिली से, ताकि मैं तैयार हो सकूं। जब तैयार हो गए, अब प्रभु कहता तू फ्री है। आमीन। आपको समझना है, जो चीज आपके हाथ में नहीं, दुखी मत हो उसके लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो चीज आपके हाथ में नहीं, उसके लिए दुखी नहीं होना है। प्रेयर करनी, नहीं हुआ कुछ, थैंक्सगिविंग करना, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए। मेरा भाई, उसका परिवार के साथ लगाव था बहुत, मेरे से ज्यादा उस टाइम। हम दोनों पे सताव आया, दोनों ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया था, वो बैकस्लाइड हो गया, वापिस चला गया मसीहत से, मैं मसीहत में खड़ा रहा। आज वो भी वापिस है, मम्मी बपतिस्मे वाली है, कंप्लीटली फाइन फिट। अब बाप की बारी बपतिस्मा लेने की। आप समझ रहे क्या? पूरी फैमिली सेव्ड, पूरी फैमिली हील्ड। क्यों? मैं खड़ा रहा, दुखी नहीं हुआ। ओ, मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बाप नहीं मुझे पूछता, मेरा भाई। चर्च जब नहीं लगती थी, चर्च जब नहीं चर्च थी बिल्कुल, मेरे रूम के बाहर लगती थी, 50 लोग आते थे, मेरा भाई वहां लगता था, फलाना धर्म किसी की बुराई नहीं करता, ऐसे लिखना उसने लोगों के सामने। लेकिन वहां से मैं निकला हूं। आप समझ रहे क्या? आपको समझना है आज एक ये बात ध्यान से। आमीन। आप इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरोगे, आपको कोई नहीं, कोई प्रेयर आपको बचा नहीं पाएगी। ट्रेनिंग होगी आपकी, प्रेयर आपको ताकत देगी उसमें खड़े रहने की, उसको सहन करने की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कोई परीक्षा तुम्हारे सहने से बाहर नहीं होगी।